हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं यहां पे बिहार सिपाही 2020 रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट आया है, तब से आप लोगों ने आईटीआई लगाने के लिए बोला था। बहुत से या मैक्सिमम कैंडिडेट का तो आईटीआई लग चुका है, बट बहुत से कैंडिडेट अभी भी बोलते हैं कि सर मेरा आईटीआई लगा दीजिए। तो उनके लिए यहाँ पर एडवाइस एंड इसके साथ साथ बहुत से कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फिलअप करने में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर उनको एडवाइस देना चाहूंगा। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, कुछ कैंडिडेट को क्या प्रॉब्लम्स जाती है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं भर पा रहे हैं, सबमिट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए यहाँ पर एक उपाय बताने वाला हूँ, एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हर एक चीज को हम जानते हैं, लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दिया करो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको अभी लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ पर नाम बता देता हूँ उस कैंडिडेट का जिसके यहाँ पर आईटीआई सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नाम है यहाँ पर क्या, बिट्टू कुमार। ओके, और आप यहां पे देख सकते हैं इनका पेमेंट रिसीप्ट है जो कि सक्सेसफुल हुआ है। इसके साथ साथ हम यहां पे देखने वाले हैं क्या बिट्टू कुमार जी का एप्लीकेशन नंबर क्या जनरेट हुआ है। तो आप नोट कर लें, बिट्टू कुमार जी, आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा BR2020557711। ओके, ये है आपका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं आपने क्या मैटर लिखा था। आपने मैटर हिंदी में बड़े अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से लिखा था, लेकिन आपने कुछ पॉइंट ऐसे लिखे थे जिनको मेरे को अच्छे से जमाना पड़ा। चलिए बताता हूं आपने क्या क्या पूछा है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैं आ गया हूं वहां पर इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट पेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बिट्टू ने पूछा है, सर दिस साइट इज नॉट अपडेट फॉर 10 ईयर्स, सो आई एम नॉट गेटिंग द राइट चॉइस ऑफ माई विलेज एंड माई सिटी। यहाँ पर बोला गया है कि यह साइट 10 साल से अपडेट नहीं हुई है, और मैं अपने विलेज और सिटी को एग्जैक्टली जो मेरा है वो फिलअप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पर चूज करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो साइट है उसमें कहीं कहीं किसी किसी कैंडिडेट का ना तो विलेज मैच करता है और ना ही सिटी, तो हमको यहाँ पर ऐसा नोट देना पड़ता है जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या रहती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बिकॉज यहाँ पे बोला गया है ऑफ विच आई हैड टू चूज द रॉन्ग ऑप्शंस, दिस इज माय विलेज सिटी। यहाँ पर विलेज इनका जे दिया है और सिटी जे दी है। अब इनके होते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट की आखिर क्या क्या पूछा गया है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मनी नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपका, सर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या, सर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट बाय माय सिलेक्शन वाज नॉट डन इन बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20। यहाँ पर आपका हेयर इज माय इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका एग्जाम डेट है, फादर्स नेम है, एक्स वाई जेड, हर एक चीज यहाँ पर फिलअप की गई है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर तीनों क्वेश्चन यही है कि सर मेरा सिलेक्शन किस कारण से नहीं हुआ, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया है प्रत्येक कैटेगरी का मुझे ये बताइए, और यहाँ पर मेरे नंबर कितने प्राप्त हुए हैं मेरे को ये बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। तो बिट्टू जी, आप टेंशन ना लें, आप 1 मंथ का वेट करें, आपका सक्सेसफुली हो ही गया है, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो फिर आपको फर्स्ट अपील करनी रहती है, फर्स्ट अपील में नहीं होता तो फिर आपको सेकंड अपील मतलब कि कोर्ट केस करना रहता है। ओके, लेकिन आपका 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपका जो आईटीआई होता है उसका रूल्स ही है 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का रिप्लाई आ जाता है। चलिए, ये तो हुआ क्या बिट्टू जी का। दोस्तों, इसी टाइप से मैंने बहुत से कैंडिडेट थे जिनके नाम बताए थे, बलवंत था, अभिनव था, यहाँ पे सत्येंद्र था, इन लोगों के मैंने लास्ट वीडियो में नाम बताए थे। यदि आपने नहीं देखा तो आप बाकायदा देख सकते हैं लास्ट वीडियो में, और आप यहाँ पे भी पोस्ट करके वीडियो को अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका मैंने ऑलरेडी बता रखा है नाम वगैरह हर एक चीज, है ना। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरे को भी मेरे मार्क्स चेक करने हैं, मेरे को भी जानना है मेरा सिलेक्शन किस कारण से नहीं हुआ, एंड मेरे को भी जानना है कि हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया है, तो दोस्तों इसके लिए एकमात्र ओनली सॉल्यूशन है क्या, आरटीआई।
जैसे कि आपको पता होगा आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती सिवाय आपके डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, चूंकि आपके बिहार पुलिस का रूल्स ही यही है, ना तो वो कट ऑफ बताते हैं, ना वो आपके मार्क्स बताते हैं, और ना ही कोच। बिल्कुल अपारदर्शी, मतलब कि आप पारदर्शिता नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप बताता हूँ मैं उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, ऐसे एक दो कैंडिडेट के नाम आए हैं और जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के लिए मैंने स्पेशल तौर पर एक लिंक क्रिएट की है जो अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, मतलब इन्फॉर्मेशन लिंक। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही पूरी की पूरी जानकारी देनी होगी जो कि अभी तक आपने देखा है कि आपको कैसे जानकारी भरनी रहती है। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। हालांकि मैं यहां पर नाम बताने वाला हूं किन किन कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें उन कैंडिडेट का नाम है, एक तो नाम है शशिकांत और एक नाम है विक्की। इन लोगों का पेमेंट मेरे पास हो चुका है और मैंने देखा इनका क्या इन्फॉर्मेशन, तो इनकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं हुई, मतलब कि इनसे इन्फॉर्मेशन भरते नहीं आया। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसा क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आपको लेकर आ गए हूँ वहां जहां पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी देनी है। सेम जे पोजिशन आपकी पेमेंट करने के बाद आपको लिंक मिलती है और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी रहती है। बट डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, बहुत से कैंडिडेट इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो लोग पेमेंट कर ही देते हैं तो उनसे क्या लिंक पर इन्फॉर्मेशन सबमिट करते नहीं आता या फिर उनको लिंक कैसे प्राप्त करें ये नहीं बनता। तो दोस्तों उन स्पेशल कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ पर जो लिंक क्रिएट किया है एंड इसके साथ साथ वही कैंडिडेट यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे जिनका पेमेंट हो गया है और वो जानकारी नहीं दे पाए, जिससे कि मैं उनका भी यहाँ पर RTI लगा सकूं। अब दोस्तों मैं उनके नाम अभी बताऊंगा बट आपको कैसे क्या भरना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना, चालू हो वही वाला डालना, ओके, जिससे कि आपके पास रिप्लाई आ सके। जैसे ही आप ईमेल डालेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट का साइन आ रहा होगा, आप नेक्स्ट कर देंगे। ओके, देन इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बाकायदा एक एक जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना क्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके साथ साथ फिर आपको रोल नंबर डालना है, इसके बाद आपको एग्जाम डेट डालनी है, इसके बाद आपको सेंटर डालना है, इसके बाद आपको डालना है आपके फादर्स का नेम, इसके बाद आपको डालना है क्या आवेदक का नाम, मतलब आपका नाम क्या है, आपका राज्य क्या है, आपका शहरी क्षेत्र क्या है, आपका प्रखंड क्या है, आपका गांव क्या है, आपका फोन नंबर, आप लिंग आपका मेल फीमेल, आपका मकान संख्या गली, आपका जिला, आपका शहरी क्षेत्र, आपका यहाँ पर पिन कोड, और आप क्या पूछना चाहते हैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पर लिखना है। सर मेरे को कट ऑफ जानना है, या फिर आपकी जो भी क्वेरी हो आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अच्छे से नहीं बन रहा हो, जैसे भी बन रहा हो मेरे को समझ में आए ऐसा लिख देना, मैं उसको मॉडरेट करके लिख दूंगा। ओके, अच्छे से बना के, तो ऐसा आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। आप चलिए बताता हूँ वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके नाम बता देता हूँ ताकि उनको भी पता चले कि आखिरकार मेरी इन्फॉर्मेशन अभी सर के पास नहीं पहुंची है। चलिए बताता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उन कैंडिडेट के नाम जिनको यहाँ पर अभी मैंने बताया उस लिंक पर आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर शशिकांत कुमार जे पर्सन सुन रहे हो तो प्लीज आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, जो लिंक मैंने एक्स्ट्रा दी है अभी RTI की डुप्लीकेट लिंक, आपको वहां पर जाना है और बाकायदा अपनी जानकारी एक एक करके भरनी है जो मैंने बताया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर विक्की कुमार दिख रहे हैं, इनको भी अपनी पूरी की पूरी जानकारी भरनी है जो जो मैंने बताई है वीडियो में, तब जाके आपका RTI सबमिट होगा। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची, इसलिए आपका ऐसा मैंने सॉल्यूशन निकाला है। चलिए और भी नाम बताता हूँ कौन सा पर्सन है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक और पर्सन है जिनका नाम है अभिषेक कुमार। जी हाँ दोस्तों, और एक है जिनका नाम है भीम कुमार। आप दोस्तों जो चार कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची, तो दोस्तों इन्हीं कैंडिडेट की सिचुएशन के देखते हुए हमने ये सारे सॉल्यूशन निकाला कि एक और लिंक प्राप्त कराई जाए आप लोगों को, जिसपे आप डायरेक्टली क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो आप अपनी जानकारी भर देंगे। चूंकि आप लोगों का पेमेंट हो गया है तो आपका RTI लगना बनता है। तो दोस्तों आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें, आपका बाकायदा आज शाम शाम तक RTI लगा दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही सब बोलना था। वीडियो पसंद आई हो तो, और हाँ, जो गलती आप लोग कर देते हैं मैं वो बताना भूल गया क्या, कि जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और रोल नंबर लिखें, तो कहीं कहीं मेरे को देखने को आ रहा है कि रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन की जगह रोल नंबर, ऐसे में आप लोगों का मिसमैच हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, तो ऐसी गलती ना करें, रोल नंबर की जगह रोल नंबर ही लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, यही सब बोलना था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।